इससे बढ़ के कोई शै भी कोमल नहीं, इससे बढ़ के कोई शै भी कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल रिया ऑफिशियल अकाउंट में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग को हैप्पी नवरात्रि और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ मतलब मेरा आज ब्लॉगिंग की मंदिर से शुरू हुआ है, क्योंकि तो मंदिर में हम लोग पूजा वूजा करके वहाँ से मतलब पूजा करके तब उठे थे, तब तो ब्लॉगिंग करना शुरू किए, क्योंकि हमें मतलब अकेले शूट करना रहता है तो अकेले कर पाते हैं। तो इधर चाय रख देते किचन में, मतलब साफ उफ करके किचन को, क्योंकि झूठ पे तो मतलब चाय नहीं बनेगा, क्योंकि घर में सब लोग व्रत हैं। और यहाँ सारा जो सुबह का बर्तन निकला था तो उसको बर्तन रात को धुले थे, तो स्टैंड में नहीं लगाए थे, तो स्टैंड में थोड़ा सा बर्तन निकला था उसको लगा लेंगे। इधर चाय अच्छे तरीके से होता है। और मेरा बेटा जो अन्नौ है वो गया था मतलब चिप्स लाने, और मतलब सबसे बड़ी गलती मुझसे ये होने वाली थी कि हम जा रहे थे दांत से मतलब चिप्स को फाड़ने, तो याद आ गया हम व्रत हैं, तो मेरा व्रत तो बिल्कुल ही टूट जाता है। तो इधर मतलब दीदी मम्मी दीदी है साइड में, तो दीदी चिप्स मतलब फाड़ को दे दी अन्नो को, और इधर मेरा चाय अच्छे से हो गया, गिलास व्लास मतलब निकाल के रख दिए हैं। तो आज मतलब स्पेशल डे है मेरे लिए, बहुत ही अच्छा दिन है नवरात्रि का। नवरात्रि का फर्स्ट डे मेरा मतलब शायद अच्छा बीत जाए, क्योंकि सुबह ही मतलब भोर में मतलब इतना डरावना मतलब सपना देखे थे, तो हम डर ही गए थे, क्योंकि मैं अपने भाई के प्रति मैं तो कुछ ऐसा देखी थी तो डर गए थे। तो दीदी से बताया तो दीदी बोली मतलब बहुत मतलब अच्छा है। तो इधर चाय मेरा हो गया था, देख सकते हैं यह हो गया, तब चलेंगे मतलब मम्मी को दी को हम ये मतलब चारों लोग चाय पियेंगे। इसके बाद आलू उबालेंगे और मूँगफली को मतलब तलेंगे थोड़ा सा, क्योंकि मम्मी उबाला मूँगफली खाती है और हम सब मतलब तला थोड़ा खाएंगे, क्योंकि उबाला हम लोग को थोड़ा सा कम जमता है, तो मम्मी के लिए उबालेंगे और हम लोग अपना मतलब तल के खाएंगे। पूजा वूजा करके आ गए, आप लोग देखे होंगे मंदिर में, ये मेरा छोटा सी मंदिर है, बहुत प्यारा मंदिर है। तो इधर चाय हो गया, चाय आप लोग देखे हैं, चाय इधर हो गया, दी को जाएंगे चाय देने, उसके बाद ये अभी नहा रहे हैं, तो इनको चाय अपना और मम्मी का मतलब हम व्रत हैं, तो हम लोग इसीलिए किचन उचन को साफ करके इसीलिए तब बना रहे हैं चाय। तो चलिए ब्लॉग को बने रहिए, ब्लॉग को पूरा इन्जॉय करिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सर इनको भी दे दिए थे चाय और ब्रेड, ये चाय ब्रेड खा रहे थे, बोल रहे कि मेरा मत हटाओ हटाओ मेरा मत करो, ये बैठ के चाय ब्रेड खा रहे थे। और नौ भी मेरा बैठ गया था अपने पापा के साथ, इधर मैं किचन में आई थी और मतलब एक साइड में कुकर रख दिए थे आलू, और वो मंथली जो थी मेरे यहाँ मतलब नवरात्रि में रख दी थी, दूसरे पता कड़ाई हटाई और दीजिए तो बोले मैं कब फर्स लाए, तो फर्स लाने में मतलब खाना बनेगा, मैं तो आज कुछ नहीं बनने वाला, कुछ भी नहीं। और जो थोड़ा सा बर्तन निकला था इधर ये हो रहा था, चलेंगे बर्तन माँज लेंगे। तो दर हम आ गए थे बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं था, तब भी थोड़ा सा ही था, क्योंकि सुबह जो सब लोग चाय वाय पिए थे वो था, और निकला था थोड़ा सा कपड़ा था बाबू का और हमारा, तो कपड़ा और मतलब बर्तन दोनों काम करके इसके बाद जो थोड़ा सा मतलब आंगन में और किचन में झाड़ू मारना है, कि बाबू छोटा है ना तो थोड़ा सा गंदा कर देता है। तो सुबह झाड़ू तो मारे थे, झाड़ू पोछा किए थे, मंदिर में भी सारा साफ किए थे, मंदिर में पूजा हुआ था, और इधर मतलब हो गया था थोड़ा सा कचड़ा था, बाबू जो मतलब खाता होता नहीं चिप्स तो पनीर फेंक देता इधर उधर, तो टॉयलेट भी कहीं कहीं कर देता, तो दीदी मतलब गुस्सा हो जाती हैं, उसी वजह से घर में दोबारा झाड़ू पोछा करना पड़ेगा। इधर बर्तन धुल लेंगे और कपड़ा, तो जाएंगे झाड़ू पोछा करने।
इधर ने मतलब टॉयलेट कर दिया था, तो शायद उसको इन्फेक्शन हो गया, तो आई डिटॉल से उसको धुलाए, उनके पापा लेके चले गए, और मेरा काम भी इधर हो गया था। अब चलेंगे कि रूम में थोड़ा सा काम था, तो शायद ये बुला भी रहे थे, हम सुन नहीं पाए, तो चलते हैं देखते हैं रूम में क्या है। तभी पूरा काम हो गया है, बर्तन धुल लिए, कपड़ा धुल लिए, और हम व्रत है, ये व्रत नहीं है, ये सब्जी रोटी खाएंगे अपना, बोल रहे मेरा सब्जी रोटी बना दो। और इनकी तबीयत मतलब बिल्कुल भी नहीं सही है, काफी रहा था क्या नींद लगी इनका पैर दर्द कर रहा है और नींद लगी है, सुबह का 10 बज रहा है, सो के उठे, झाड़ू मार लिए दुकान में, बहुत मेहनत की है, थक गए झाड़ू पोछा। ये बेचारे बहुत काम करते हैं, बहुत ज्यादा। कितना काम करते हो? बहुत काम कर रही थी, कुल कर रही थी। काका करते का कर, अब जान लग के लड़का ना है तो झाड़ू पोछा करा, सामान लिया, तेल लिया, मसाला लिया, धनिया लिया, मर्चा लावा, आलू लिया, मीठा लिया। ये तो एक अलीला नहीं है, तो कल हुआ था, कल मेहमान आए थे तब किए थे। अरे तो आज तो क्या किए, कल तो किए तो नहीं, हमें तो करे है। अच्छा आप लोग से एक बात करनी थी, इनका गुटका छोड़ाने का कोई मतलब उपाय आप लोग बताइए ना। कौन उपाय नहीं, सब काम नहीं कर रहे हम छोड़ो तब छूटे की। अच्छा हम छोड़बे नहीं करें। ये नलायक, इनका बेटा भी नलायक, आप लोग को दिखा रहे, पूरा टुका पी इन्हीं का है, वहाँ है, वहाँ देख रहे डांट दे, डांट डांट किसी कर दो, ना सबको किसी कर दो, किसी कर दो, नहीं डांट दे। तो अभी इधर मतलब तो थोड़ा सा ऐसे बैठ के हम लोग बात कर रहे थे, और अभी बनाना था कचालू, क्योंकि अभी बज रहा है 10:30 हो रहा है, और इनको रोटी कचालू में मतलब इनको कचालू दे देंगे और रोटी सेक देंगे दीदी, और ये खा लेंगे। सोत रहा हाँ। सोई जाओ, सोत रही है तो सो जाइए, और ये हमारे साथ मतलब ब्लॉग नहीं बनाते, आप लोग इनको कुछ बोलिए, कमेंट करिए, तो ज़्यादा हमारे साथ नहीं रहते हैं, ना ब्लॉग बनाते, आज टाइम मिला है तो मेहनत करने वाले फालतू काम नहीं करते, मेहनत करने वाले फालतू काम नहीं करते, ये इनका डायलॉग है। हाँ बेटा, तो अभी हम लोग जाएंगे शाम को कहाँ, चौरजन नहीं, चौरजन नहीं, कहाँ, चौरा माई नहीं, कुछ और नाम है यार, झाली भवानी मंदिर जाएंगे हम लोग, क्योंकि आज नवरात्र का फर्स्ट डे है, हम लोग जाने वाले हैं। और ये मेरा छोटा सा लड्डू है, अनु मेरा लड्डू डर डर नो डर दे डर दो डर दो, ये मेरी छोटी सी फैमिली है, छोटी फैमिली है पर हैप्पी फैमिली है, तो अब ये अपने पापा हमरे ऊपर चल, नहीं बेटा क्या लोग क्रीम लोगे लोग, चलो अच्छा तो चलते हैं अभी हम काम, एक छत पे चलो एक भाई सोने, और हम जा रहे हैं काम करने, क्योंकि अरे अम्मा आ जाएंगे इनकी, और कौन कौन आएगा, सब आ जाएंगे घर में। अच्छा तो आप जाइए सो जाइए, और हम भी चल रहे हैं कचालू तलेंगे, टाटा बाय बाय। ये आज लाइट नहीं है क्योंकि हमारे 7 तारीख को, तो 7 तारीख का निकले, 7 तारीख का निकले झाकी निकलेगा, तो इसके बड़ा वाला झाकी, जाओ जाओ पापा जा रहे हैं, दौड़ जाओ दौड़ जाओ, लेके जाओ अन्नू को, जाओ जाओ छत पे, नहीं गए पापा बाहर गए, बाहर के चिप्स दिलाएंगे, फिर अन्नू को चिप्स दिला दो। तो 7 तारीख हम लोग यहाँ झाकी निकलेगा, और इसके बाद 3 तारीख को गरिमा गौरव सब लोग आ जाएंगे यहाँ, और इधर देख रहे हैं बहुत ही स्वीट, बहुत मतलब प्यारा, मम्मी ये माला गाँचती है अपने हाथ से, आप लोग देखे होंगे पहले मैं भी गाँचते थे, मम्मी जब वहाँ से आई तो मम्मी गाँचती हैं, तो चलो चलते हैं मतलब किचन में, साइड में किचन है, तो चलते हैं आँखा चालू तलेंगे। तो अभी मतलब शाम का टाइम है, तो नहा हो के मतलब माता रानी का मतलब आरती करना था, दिया हुआ जलाना था, तो दिया हुआ जला लिया, जो कि फरारी में बना के मतलब बनाई थी, ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, और ये बात था क्योंकि अकेले ब्लॉगिंग कर रहे थे तो नहीं कर पाए, और सारा लोग मतलब फरारी खाए, खाना नाश्ता किए, सब लोग हो गया,
तो नहा हो के मतलब दिया जला लिए, अभी शाम को बज रहा है, रात को 9 बज, सामने ये रात है, 9 बज रहा है। तो ये फर्स्ट टाइम ब्लॉग में आया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करना, अगर अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत सारा मतलब सुबह का टाइम बहुत अच्छा मेरे पास, ये थोड़ा सा पेट में दर्द होने लगा इसी वजह से हम ब्लॉगिंग नहीं कर पाए हैं। तो शाम का टाइम था तो शाम में अभी रात को कर रहे हैं, क्योंकि टाइम उतना मतलब थोड़ा सा आराम है तो हम सोचे ब्लॉगिंग कर लें, क्योंकि ब्लॉग को हम थोड़ा सा बीच में ही छोड़ दिए थे। तो चलो फिर ऐसे प्यारा वाला वीडियो लेके आएंगे। अगर ये मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अब शेयर करिए। तो फिर चलो ऐसे प्यारा वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।